हेलो नमस्कार, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप। एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपना अपना सब ख्याल रख रहे होंगे एंड स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों बहुत टाइम बाद हम आज जो है मैं दोबारा आपको वीडियो कुछ समझाने जा रही हूँ मैथ्स में। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई आपको इन दिनों कोई परेशानी आई तो आप बीच में से मुझसे कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो फॉर्मिंग नंबर एंड असेंडिंग डिसेंडिंग किया था। आज मैं आपको इवन ऑड समझा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस। ओके, सो लेट्स बिगिन टूडे क्लास। आज मैं आपको इवन ऑड समझाती हूँ। ठीक है, तो इवन ऑड जो है, अब मैं आपको जो है पहले सेकंड थर्ड को समझा चुकी हूँ बच्चों। इस पे जो भी पूरा डिटेल से मैंने समझाया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समझाऊंगी। ठीक है, और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। आप सोचेंगे कि मैम जो है काफ़ी दिनों बाद हमें पढ़ाने आई हैं, तो मैं इसका रीज़न आपको बता देती हूँ। मुझे चोट लग गई थी जिस वजह से कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो नाउ आई एम ओके। सो अब हमारी जो वीडियोज़ हैं वो डेली बनेंगी। ठीक है, तो मेरी और सभी वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो इवन ऑड करें हम आज, इवन एंड ऑड। आप सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना इवन ऑड क्या होता है। देखिए सिंपली हम बोले तो जो नंबर 2 के डिविजिबल होते हैं यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। यानी अगर 2 4 2 2 या 4, लेकिन 9 को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा। यानी जब रिमाइंडर हमारे पास आता है यानी वो 2 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में समझाऊंगी, बाकी पूरी डिटेल में जो है लिंक आपको सेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ये देखिए 2 4 6 8। ठीक है, और नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9। अब कोई भी नंबर आपको गिवन हो बेटा, वो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, अरब, करोड़ अरब, कितना भी हो, आपको उसको बताने के लिए सिर्फ वंस प्लेस पर फोकस करना है। 9,25,023 मैंने नंबर दिया है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जो है बताइए ये जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो मैं सिर्फ इसका वंस प्लेस देखूंगी। ठीक है, नंबर कितना भी बड़ा हो तो वंस प्लेस मुझे पता है 3 जो है वो ऑड नंबर होता है, 2 का डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। ये देखिए ऑड नंबर में 3 लिखा है ना, तो बस सिंपली मैं इसको लिख दूंगी ऑड नंबर। अगर इसी नंबर को अगर मान लीजिए मैंने ये नंबर या कोई भी नंबर आपको मैं दे दूँ, 82,63,123 मैंने 20 मान लीजिए मैंने दे दिया, तो वंस प्लेस पे मुझे ध्यान देना है और 0 क्या है वो इवन नंबर है। तो देखिए कितना इजी है ना, तो इसका क्या मतलब समझे आप, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो आपको सिर्फ वंस प्लेस देखना है और आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ये नंबर हमारे इवन होते हैं और ये ऑड। इसका डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ बच्चों क्योंकि मैं आपको बहुत बता रही हूँ, सेकंड थर्ड क्लास में मैंने ये पूरा डिटेल में समझाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए बच्चों जहाँ मेरी वीडियोस होती हैं वहाँ पे एक छोटा सा नीचे ऐसे एरो का निशान होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे लिंक जो है शो हो जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो इजीली वीडियो वही वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, अगर इस बीच में आपको किसी टॉपिक को समझने में कोई परेशानी आई थी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट योर एंड चेक योर आंसर, फिर हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।